अपन पावर फैक्टर बढ़ते थे। नेक्स्ट लिखिए हेडिंग डालिए एलसीआर सर्किट, कोई वैसे करना है जैसे अभी तक कराए, कोई खास बात आपको दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान सुनिए, नेक्स्ट लिखिए एलसीआर सर्किट, कौन सा सर्किट? एलसीआर सर्किट देखिए सब लोग, अच्छा लगेगा। ध्यान से सुनिए एलसीआर सर्किट, समझ में आ रहा है? एक एल, एक सी और एक आर, सोर्स लगाया ऐसे, फिर से वैसी ही बातें अगर अपन करें डायरेक्ट, अगर आपको समझाना चाहो तो डायरेक्ट, ये एक्सेल, ये एक्स सी और ये आर, डायरेक्ट डायग्राम समझ जाने की प्रयास करता हूँ। आर एक्सेल किधर, एक्सेल किधर, अगर आर इधर है तो एक्सेल किधर होता है, एक्स सी किधर होता है, जेड होगा, जेड होगा तो क्या लिखेंगे, देखिए ऊपर बच जाएगा, अगर एक्सेल बड़ा है, अगर मान लेते हैं एक्सेल एक्सी से बड़ा है तो एक्सेल माइनस एक्सी, और इधर क्या बचेगा आर, अगर एक्सेल बड़ा होगा तो ऐसा बन जाएगा, और अगर एक्सी बड़ा होगा एक्सेल से तो क्या नीचे आ जाएगा, एक्सेल माइनस एक्सी, सॉरी एक्सी माइनस एक्सेल, पर मैग्नीट्यूड तो उसी तरीके से आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा जेड, कौन जेड, क्या कहलाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सेल बड़ा होगा तब भी ये होगा, एक्सेल ये होगा तब भी ये होगा, क्योंकि स्क्वायर में कोई फर्क पड़ने वाला एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, सब बोला ठीक, मैंने बोला ठीक, तो जेड के लिए होगा ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अच्छा भाई अब क्या करें, और क्या करें, बढ़िया 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 सुंदर, ये वो ये जेड दिशा होते हैं, इंपेडेंस ऑफ द सर्किट क्या बोलते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आपका ये वाली कंडीशन है तो क्या ये कर्व ना कहलाएगा फाई, फाई या अल्फा जो भी आप बोलना चाहो, क्या आपका अल्फा कहलाएगा टेन इनवर्स, क्या कहलाएगा टेन इनवर्स एक्स, सॉरी एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, नहीं आया, पावर फैक्टर हो जाएगा कॉस फाई या कॉस अल्फा जो भी आप बोलना चाहो, कॉस अल्फा अपने वापस हो जाएगा आर बाई जेड, क्या हो जाएगा R by Z। अगर हम E की वैल्यू लिख लें, E बराबर E naught sin omega t, नहीं आया, तो ध्यान से देख क्या R जो होता है वो along the current होता है, किधर होता है along the current, अगर ये वाली सिचुएशन होगी तो करंट होगा ऐसे, तो क्या वोल्टेज होगा ऐसे, और ये एंगल कहलाएगा अल्फा, ये एंगल क्या कहलाएगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, नहीं आया, आया नहीं आया, कौन आ गया कौन पीछे, एक सवाल कर रहा हूं तो जब मैं फील आ जाएगी ये अपना ऐसे आ गया, cos अल्फा के लिए हुआ है, अगर एक्सेल बड़ा है तो भी आगे होगा, और अगर एक्सी बड़ा है तो याद कर लो, चलो डायरेक्ट आईपीएल इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता, नहीं आया, अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई आई नॉट क्या है तो आई नॉट के लिए लिखी जाएगी ई नॉट बाई जेड, कोई आपसे पूछा आई आर एम एस क्या है तो आप लिखोगे आई आर एम एस बराबर ई आर एम एस बाई जेड, पर क्या आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इक्वल्स टू ई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी बाई जेड, ये सही है गलत है, कई बातें हम पहले ही कर चुके हैं, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अगर ई की इक्वेशन आप ये लिख रहे हो बाय द वे, या मैं कह रहा हूं आप जो भी लिखना चाहो, मान लीजिए आप आई की इक्वेशन लिखते हो आई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर आप आई की इक्वेशन ये लिखते हो तो इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या ई की इक्वेशन लिखी जाएगी प्लस अल्फा, मुझे लगा ही नहीं तो मैं आया, आया माइनस भी हो सकता है, अगर कौन बढ़ाओ एक्ससी, कौन बढ़ाओ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, कोई शक वाली बात, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो एलसीआर में कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, जो आप पढ़ चुके हो वैसे ही सब कुछ है, एलसीआर आ गया बस एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सबने बोला ठीक, मैंने ये बोला ठीक, उतार लीजिए। यही करते हैं सर, अब सुन मान लीजिए मैं आपको एक सवाल देता हूँ, सब लोग सही करेंगे उसको, सवाल के थ्रू और अपने को क्लैरिटी आ जाएगी, हाँ यार कुछ भी पूछो मैं सवाल है, मान लेते हैं कि इसमें करंट बह रहा है आई इक्वल्स टू टेन साइन ओमेगा टी, बोलो क्लियर, आपको बोला जाए कि एक्सएल की वैल्यू है टेन, कितनी है टेन, और एक्सी की वैल्यू है सिक्स, और ये है तीन ओम, बोलो क्लियर है, ऐसे डेटा आपको दे दिया ठीक है, और आई बराबर है टेन साइन ओमेगा टी, जो जो छोटी छोटी चीजें पूछता चलो वो सब करते रहना, देख ध्यान से, सबसे पहली चीज जेड क्या है, आई नॉट क्या है,
IRMS क्या है, E naught क्या है, ERMS क्या है, E as a function of time t क्या है, power factor क्या है, इतना तो लिखो। Z is ना क्या बात कर रहे हो यार, XL minus XC 4 हो गया क्या यार? नहीं आया। XL minus XC 4 ये कितना? 3। ये कितना? 5। Z के लिए कितनी? 5। I naught I naught IRMS 10 by root 2 be 5 root 2 E naught E naught ERMS 25 root 2 E as a function of time कौन आ गए? Current voltage कितना आ गए बोलिए। क्या ये angle 53 degree है? क्या voltage 53 degree आ गए है? कोई दिक्कत 50 साइन ओमेगा टी प्लस 53 कोई दिक्कत। पावर फैक्टर क्या कॉस वाई इक्वल टू आर वाई जेड? आर कितना है? 3। जेड कितना है? 5। क्या पावर फैक्टर है? 3/5। अरे कितना आया? 3/5। हालांकि जो पूछ रहा हूँ बहुत कम चांस होते पूछे पर फिर भी अगर पूछ रहे हैं पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी क्या आई नॉट एक्सेल आई नॉट तो 100 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। मेरे हिसाब से तुम्हें समझ नहीं आया पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटी फंक्शन ऑफ टाइम टी आई नॉट एक्सेल 16 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर फंक्शन ऑफ टाइम टी इज आई नॉट 3 यानी कि 30 साइन नहीं आया। तुम्हें समझ में आया मैं प्लस क्यों करा? क्या करंट से एक्सएल में पाई बाई टू आगे होता है? क्या कैपेसिटर में पीछे होता है? और रजिस्टर में कोई चेंज? अलग ही कोई खास वाला कुछ होता नहीं है। बोलो डर लगा कि आ गया है? पहले वाली सब चीजें आ गई थी एलसीआर से डरने की जरूरत? क्या पूछे गए आ गया? अब मैं एलसीआर सर्किट को दो मेजरली खूबसूरती इसमें बातें जो अगर डिटेल में जाया जाता है वो उसकी बेसिक बेसिक समझते हैं। एलसीआर सर्किट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सर्किट्स इन हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स हमारे रेडियो कैसे काम करते हैं इनपे उनपे पागल हो सकते हैं मतलब इतना उसको पढ़ने को जो आपके बेसिकली है इतना एंटीना लगे होते हैं आपके मोबाइल का एंटीना इनका एंटीना जो छोटे छोटे जो भी सिग्नल है वो सब एलसीआर सर्किट से काम करते हैं। क्या तो बहुत ज्यादा उस डिटेल में फालतू नहीं जा रहा हूँ मैं बहुत छोटी सी बात ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे जाकर काम आएगी। देखो सुनो मैंने जो ऐसा मैं इक्वेशन क्या है ई की 50 साइन ओमेगा टी मतलब मैं सप्लाई लगा रहा हूँ उसकी पीक वैल्यू क्या है आरएमएस क्या है मतलब क्या मैंने सोर्स लगाया 25 रूट 2 का सोच में आउटपुट एक्सेल के अक्रॉस में सोच आउटपुट क्या चीज फील करें इस बात को अगर मैं आउटपुट एक्सेल के अक्रॉस दूं देन कितना हमने पीक वैल्यू कितनी लगाई थी जबकि एक्सेल के अक्रॉस कितनी मिली अरे यस और नो दिस इज नोन एज वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन दिस इज नोन एज इससे पहले वाले सर्किट में नहीं हो सकता इसी में हो सकता है एलसीआर सोचे देखा क्यों क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी आर माइनस हो रहा है अरे भाई साहब तो ये जादू यही हो सकता है देख यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो रहा है साठ ये भी सौ से ज्यादा 50 से ज्यादा है अरे ऐसा एलसीआर में कराया जा सकता है। So if you take output across L or C, it might be possible that the peak values across L and C are higher than the applied voltage. Higher than the So in some cases, LCR circuit can be used as voltage amplifier. Can be used as voltage amplifier. क्या सवाल में मैंने सवाल के लिए ऐसा लिया था कि मैं तुझे बता पाऊँ कि voltage amplifier भी बन सकता है। पर तब जो मैं बोला चमका। ये सवाल तो होगी क्या पर एक जादू वाली चीज़ भी दिख रही है। वो दिख रही है, ये दिख रही है। अरे नहीं आया। आया कि नहीं आया? शब्दों जो तुझे अच्छा लगे कि अगर हम ध्यान से देखें तो पीक वैल्यू अक्रॉस इंडक्टर इज हायर देन द अप्लाइड वोल्टेज इट मींस वी कैन यूज इट एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर इट मींस वी कैन यूज इट एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर इट मींस वी कैन यूज इट एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर इट मींस वी कैन यूज इट एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर इट
means we can use it as a voltage amplifier. It means we can use it as a voltage amplifier. It means we can use it as a voltage amplifier. It means we can use it as a voltage amplifier. It means we can use it as a voltage amplifier. It means we can use it as a voltage amplifier. एक बार और ना आप सुन, एलसीआर सर्किट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि कभी एक्सएल बराबर एक्सी हो जाए। चेक इधर कोई बात बता। इस वाले सर्किट में कोई भी अगर एलसीआर सर्किट में पावर क्या होती है? I square RMS into R। इसलिए आप एक बात समझो, हमारे घरों में सप्लाई आती है तो उसमें I कांस्टेंट होता है कि D? हमारे घरों में तो 220 वोल्ट की RMS वाली सप्लाई है। तुझे मेरी बात समझ नहीं आई यार। हमारे घरों में अगर कोई LCR सर्किट लगाओगे तो क्या चीज कॉमन होगी? I की V। तो इसको V के टर्म्स में रख दो याद ना, कैसे लिखते तू भूल गया शायद। V square RMS into R by Z square। कुछ याद है? वही तो कर रहा था। E square RMS into R by Z square. Z square is nothing but R square plus XL minus XC का whole square. तो तू खुद बता, किसी भी LCR सर्किट की पावर मैक्सिमम कब होगी? तो ये चेंज हो नहीं सकता, R कौन चेंज कर नहीं रहे। अगर मैं उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करूं, क्या चेंज करूं? तो क्या XL minus XC चेंज हो सकता है? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। क्या चेंज हो सकता है? XL minus XC। तो सोच, पावर मैक्सिमम कब होगी? जब के Z मिनिमम होगा। तुझे मेरी बात समझ? तो पावर मैक्सिमम इन द सर्किट कब होगी मुझे सब लोग बताइए। पावर मैक्सिमम इन द सर्किट कब होगी सब लोग बताइए। भाई पावर मैक्सिमम तब होगी जब क्या? Z मिनिमम होगा। जब Z मिनिमम होगा। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। और Z मिनिमम की वैल्यू कितनी हो सकती है? R। और वो कब होगी? जब XL बराबर XL बराबर This implies XL बराबर XC। XL की वैल्यू होती है ओमेगा L, XC की वैल्यू होती है 1 by ओमेगा C। ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 by LC, ओमेगा बराबर रूट LC, ओमेगा बराबर 2 pi f। अरे हाँ ना बोल यार। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई 1 by 2 pi रूट LC। जब सर्किट मैक्सिमम एनर्जी देने लगता है उसे कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? अगर आपके पास एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टर कॉम्बिनेशन है तो वो सर्किट मैक्सिमम पावर तब देगा जब उसको इस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट किया जाए। उस सर्किट की ये कहलाएगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाएगी? अगर कोई भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब है पावर मैक्सिमम। और यू कैन से सर्किट एक्ट्स एज प्योरली रेजिस्टिव। ऐसा क्यों बोला मैं? सर्किट एक्ट एज प्योरली रेजिस्टिव ऐसा क्यों बोला मैं? भले इंडक्टर है, भले कैपेसिटर है, भले रेजिस्टर है, पर क्या एक्सएल बराबर? तो क्या जेड की वैल्यू सिर्फ आर है? तो क्या मैक्सिमम पावर आ रही है? अरे नहीं आया। सो द फ्रीक्वेंसी एट विच वी विल गेट मैक्सिमम पावर इन एन एलसीआर सर्किट इज नोन एज व्हाट? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाती है? और उसका फॉर्मूला आता है 1 by 2 pi root LC, 1 by 2 pi। तुम्हें मेरी बात समझ? पहली बात तो किसी भी LCR सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी काम क्या थी वो भी बता दूंगा। पहले जो बोला चमका ये ले, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? इस पे भी खूब सवाल आते हैं, बेसिकली बात कर सकते हैं। सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो होती है जब हमें LCR सर्किट में मैक्सिमम पावर मिलती है। क्या मिलती है?
और उस समय रेजिस्टेंस सिर्फ आर रह जाती है, तो आप बोल सकते हो भाई सर मैक्सिमम पावर मिली। जब भी आपको बोले ना सर्किट में कि मैक्सिमम पावर ड्रैग हो रही, तो आप समझ जाना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब एक्सएल बराबर, बहुत सवाल में आपको दिखाई देगा, जैसे दिखाई देगा समझ जाओ एक्सएल बराबर एक्सी, टेंशन लेने की जरूरत बहुत आसान, जल्दी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में सवाल आता है। अब हम समझे कि मेनली इसे क्यों पढ़ा जाता है, इसका लॉजिक क्या है, अगर बहुत डिटेल हो सकती है उसकी, बेसिक बात समझे हम। जैसे एक बेसिक सर पे आपको सिंपल बात बोलता हूं, रेडियो काम करता है, करता है नहीं करता है? रेडियो देखा है सब लोगों ने, सुना है, देखा भी और सुना भी, उस दिखती हुई चीज में से आवाज आती है क्या? हाँ मोबाइल में तो दिखता तो है ना, मोबाइल या अदृश्य मोबाइल है तेरा, आईटा लेकर बिल्कुल चल युगांडा भेज देना मैंने वापस। अरे कोई क्या कह रहा है बोले तो दो तो होता क्या, तुमने पहले कभी देखा हो लोग पीछे बातें करने चालू हो गए, मेरे तो सपनों में रेडियो बजता है यार। देखो यार तो पहले अगर तुमने पुराने कभी रेडियो देखे तो मैं नॉब हुआ करती थी, अब तो डिजिटल हो गया है काफी, तो नॉब जो होती थी ना वो स्टेशन चेंज कर देती थी, तो बिल्कुल एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पे मैच करोगे तो ही सुनाई, नहीं तो बीच में मिलता है ये विविध भारती का, ये विविध भारती का कोटा केंद्र है और आप सुन रहे हैं मेरा तम्मा तम्मा लोगर वो जब आप बीच बीच में होते थे दो स्टेशन मिल जाते थे, सुना है कभी ऐसे दोनों स्टेशनों की आवाज आती है ऐसा? आपको कभी कभी ऐसा ऐसे ही आप कार से जा रहे हो, जैसे मान लो कोटा से जयपुर जा रहे हो, तो बीच में एक जगह ऐसी आती है देवली के आसपास जब कोटा का स्टेशन भी पकड़ रहा होता है और जयपुर को भी पकड़ रहा होता है, तो मिक्स हो रहे होते हैं तो बेसिकली तुमने कभी सुना ही नहीं तो वो रेडियो, अच्छा हर रेडियो बहुत सारे स्टेशन होते हैं, तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी 94.3, 91.1, 92.7 है, जो भी आप गिनने लगे हमारे गांव में तो 550 है बेटा, वो पता का बीड़ी आती है दिमाग में तंबाकू बैठा हुआ है ना, अच्छा मुद्दा पॉइंट तो क्या, हाँ बीड़ी तो कई लोग तो ऐसे देख रहे हैं जैसे इसके बाद तो मैं दिखूंगा ही नहीं, कोर्स खत्म हो रहा है आज हमारा, मिलना खत्म सिर्फ एक पार्ट है तो ठीक है। अब सुन बोलते हैं पूरे दो साल बेवकूफ बनाया कोर्स के चक्कर में, तेरे कोर्स वोर्स क्या होता है चलो क्या है क्या कहते हैं, हाँ तो बेसिकली स्टेशन जो होते हैं वो ऐसा समझ की जैसे मान लीजिए अपना उसका एंटीना लगा हुआ है किसका, रेडियो ऐसा समझ, अब तो एंटीना से छोटे हो गए कि आपको दिखाई नहीं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, इलेक्ट्रॉन आते हैं हिलते हैं वो उसी तरीके से नाचते हैं और ये और वो छोड़ो उसकी कोई मतलब नहीं, अरे समझ उसमें एक एलसीआर सर्किट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है ऐसा समझ, नॉब होती है नॉब क्या होती है ऐसा मतलब, तो उसको आगे पीछे करके ऐसा ऐसा फील कर, पहले ऐसा हुआ नहीं करता था, उसको नॉब को आगे पीछे करके तो कैपेसिटर को आगे पीछे कर सकता है, क्या करते भाव देंगे ऐसे हुआ करता था पहले, ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर जोड़ सकते हैं, तो नॉब ना यहाँ पे भी हो सकती है यहाँ पे भी हो सकती है, तो क्या कैपेसिटर की कैपेसिटर चेंज हो सकती है, अरे यार हाँ कैपेसिटर की कैपेसिटर चेंज हो उस नॉब से हुआ करता था, तो अगर आप कैपेसिटर चेंज करोगे तो क्या चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी बोल होगी, तो ऐसा समझ इंटरनली देयर इज अ मैकेनिज्म बाय व्हिच व्हाट वी कैन चेंज capacitance, if you will be able to change the capacitance, if you will be able to change the thing correctly, कि अगर आप ध्यान रखोगे तो जिससे आप change करोगे तो क्या resonant frequency में change, अब ऐसे समझो कि LCR circuit है, अब ऐसे समझो कि LCR feel करा रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाए, resonant frequency बहुत काम में आती है, मतलब आप अगर electronics में जाओगे तो पागल हो जाओगे आप, इतना आपको LCR circuit पढ़ना होगा, क्या तो उस पर ज्यादा पैपे नहीं करते हैं, तो होता क्या है कि मान लीजिए आपका LCR circuit है, अब suppose you have a mechanism by which what you can change, अब तो ऐसे समझ कि इस सर्किट में मैक्सिमम पावर है, समझ यहां से हम आवाज निकालते हैं, है समझ लो ऐसे फीचर, इसको सोर्स देने वाली बैटरी अलग होती है, पावर निकालने वाली बात अलग होती है, ठीक है, समझ ये एंटीना है, अब यहां पे सिग्नल आ रहा है हर फ्रीक्वेंसी की, इस में सबसे ज्यादा एनर्जी किसको मिलेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या रेजोनेट होगी, तुझे नहीं आया, मान लीजिए मैंने अपना सीएस एडजस्ट कर लिया कि 94.3 मेगाहर्ट्ज़ इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी,
तो इस एंटीना में सब गिर रहे, 91.1, 92.7, 94.3, विविध भारती, ये वो, रामलाल श्यामलाल सब। बट इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी कौन लेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी डिलीवर कौन करेगा, वो जिसकी कौन सी फ्रीक्वेंसी हो। सोच तूने सीएस एडजस्ट कर दिया कि 94.3 तो जो कौन सा स्टेशन सुनाई है, 94.3, उसमें अंदर फिल्टर विल्टर बहुत सारी चीजें होती। अब जाहिर सी बात है दूसरे की फ्रीक्वेंसी आ रही है उसकी भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो वो तो अब हम फिल्टर लगा के उसे क्लीन कर देते हैं ताकि हमें सिर्फ एक ही स्टेशन की वॉइस क्लियर आए, पर अगर फिल्टर विल्टर ना लगे हो तो हमें दूसरे की वॉइस भी। तो बेसिकली हम जब ट्यून करते हैं ना तो हम बेसिकली एनसीआर सर्किट को उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ले आते हैं ताकि हमें उसी फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम एनर्जी। तुझे मेरी बात समझ अरे आई नहीं आई, तुम अगर बहुत ध्यान दो तुम्हें समझ में आएगा कि जेड जो है ना वो है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अगर तू बहुत ध्यान से देख तो ओमेगा का ग्राफ और जेड के साथ बनाया जाए, किसका ग्राफ, ओमेगा का ग्राफ जेड के साथ बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार का आएगा। ये कहलाएगी ओमेगा नॉट, जिसे कहलाएंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाएगी ये, तब होगा जब जेड मिनिमम होगा और जेड मिनिमम की वैल्यू क्या होगी आर। तो सोच अगर ओमेगा उससे घटाओगे तो भी जेड बढ़ेगा, उससे बढ़ाओगे तो मैं मेरी बात समझ अरे आई की नहीं आई, आई की नहीं आई, इस तरह के ग्राफ होते हैं। ये होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाली जगह। तो ऐसे सबकी फ्रीक्वेंसी जानी है, अगर इसी कॉरेस्पॉन्डिंग में ग्राफ बनाना चाहूँ कि मान लीजिए सर्किट में ई की वैल्यू फिक्स है तो आई नॉट की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि आई नॉट की वैल्यू होती है ई नॉट बाई जेड, ई नॉट बाई जेड चेंज हो रहा है। जब जेड मिनिमम होगा तो आई नॉट मैक्सिमम होगा, तो ग्राफ ऐसा है। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। तुझे मेरी बात समझ, ये बनाना इंपॉर्टेंट है, सीखना इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए ओमेगा के साथ क्या। अब तो खुद सोच, जो मैं अपने जो अपने में रेडियो में सिग्नल्स लेता हूँ, जनरेट जो भी मैं रेडियो में काम वाम कर रहे होते हैं, हम लोग जितने भी चीजें ऐसा कर रहे हैं उसको अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो आई नॉट ओमेगा नॉट इक्वल्स टू रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये वो ये। तो सोच के देख, ये जो कर्व है, ये जो जैसे मान लीजिए तूने ऐसा ट्यून कर लिया कि इस समय 94.3 मेगा हर्ट्ज इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, पर क्या इसके आगे बाजू में 91 भी है, क्या इधर 97 भी है, क्या उनके स्टेशन भी बच सकते हैं। मैं मान रहा हूँ कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है, पर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग भी तो मिल रही कि नहीं मिल रही। मुझे पहले तो ये बता कि ये मेरा जो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ कैसा होना चाहिए सर्किट के लिए, चपटा कि ऐसे, एक अच्छे रेडियो के सर्किट के लिए सोच कैसा है, ताकि पास वाले स्टेशन की एनर्जी ज्यादा, इसीलिए स्टेशन बहुत पास पास नहीं रहते, स्टेशन बहुत ऐसे नहीं 91.1 दूसरा 91.137 थोड़ा डिफरेंस। अच्छा आप सोच रहे हो ज्यादा डिफरेंस क्या, 92.791, अरे 1.7 मेगा हर्ट्ज का डिफरेंस है। नहीं आया तो डिफरेंस बड़ा है वो। तुझे मेरी बात समझ, अरे आई कि नहीं आई यार, अरे सोच लो। तो वास्तविकता में ये ना कर्व पतला होना चाहिए, हालांकि मैं एक चीज तुम्हें बता देता हूँ, उसमें एक चीज बोलते हैं, इसलिए ना इन सर्किट्स की चीज डिफाइन करते हैं, बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं, ऐसा स्टैंडर्ड नोटेशन आप समझो कि अगर आप ऐसे समझो कि अगर ये आई नॉट है और किसी दूसरे स्टेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग करंट आ रहा है आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू, अगर उनका करंट आई नॉट बाई रूट टू से कम है उनका करंट अगर, तो फिर वो हमारे मेन स्टेशन को ज्यादा परेशान। पर अगर वो जैसे मान लीजिए ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो दूसरे स्टेशन है उनकी फ्रीक्वेंसी इनके बाहर होनी, आई नॉट बाई रूट टू करंट होने वाला, एनर्जी आधी हो गई, एनर्जी क्या हो गई आई स्क्वायर नहीं आया। तुझे मेरी बात समझ, अरे आई की नहीं आई, तो एनर्जी आधी हो गई। तो बेसिकली आप ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, आप ऐसे समझो, ज्यादा मैं उसमें परेशान नहीं कर रहा हूँ आपको। तो जिसकी पीक वैल्यू है, जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की पीक वैल्यू है, उससे आई नॉट बाय रूट टू इधर उधर कर लो, तो सोच के देखिए ये हो गया ओमेगा वन और ये हो गया ओमेगा टू। इस ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन को कहते हैं बैंडविड्थ। क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं इसको। सोच के देखो बैंडविड्थ ज्यादा होनी चाहिए कम, ज्यादा होनी चाहिए कम, कम जितनी कम होगी क्या उतने पास पास स्टेशन लगा पाएंगे, उतने पास तुम्हें नहीं आया यार,
अपने पास पास स्टेशन लगा पाएंगे, इसमें कोई शक वाली बात। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, उतने पास पास स्टेशन लगा पाएंगे। तो इसे कहते हैं बैंडविड्थ। क्या कहते हैं? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। ऐसे ही इसमें और भी बहुत सारी चीजें डिफाइन करते हैं कि नहीं। जैसे एक और चीज डिफाइन कर सकते हो, जिसे बोलते हो क्वालिटी फैक्टर। क्या बोलते हो? क्वालिटी फैक्टर। वो सर्किट का क्वालिटी फैक्टर होता है, उसको वास्तविकता में डिफाइन किया जाता है क्वालिटी फैक्टर को। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ, यानी कि ओमेगा नॉट बाई ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू माइनस ओमेगा। ध्यान दें किस फ्रीक्वेंसी पे कितनी बैंडविड्थ है। सोच क्वालिटी फैक्टर कब अच्छा होगा, जबकि बैंडविड्थ कम होगी। अरे यार हाँ ना बोल, नहीं आया। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हायर होनी, उतना सर्किट बढ़िया काम करता है। जितनी हायर फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कराते हो, फ्रीक्वेंसी हायर होने से क्या एनर्जी ज्यादा हो जाती है? क्या ज्यादा हो जाती है? एनर्जी। ये तो मानते हो? तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए और उसके पास की बैंडविड्थ कम होनी चाहिए, सर्किट बढ़िया काम करेगा। उसे बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं? आप जब इसे सॉल्व आउट करते हैं तुम्हें कोई ज्यादा मतलब नहीं, इसकी वैल्यू निकल जाती है एक्सेल बाई आर। क्या निकल गया है? एक्सेल बाई आर। थोड़ी बहुत याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं। क्या थोड़ा बहुत ग्राफ और जो मैंने बोला है समझ आया है? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया है। फिर कह रहा हूँ इसमें अनंत पढ़ने को, आप पूरी ग्रीक शायद इसमें खत्म कर लोगे। बहुत सारी होती इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो खैर प्रदर, जो मैं बोला कुछ कुछ बेसिक बात समझ आई या प्राण पर घेरू? अरे सोच लो, गारंटी जो अच्छा लगे जैसे अच्छा लगे। एक्चुअली ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो उससे आ गई है। आप इस सर्किट को पावर एसी दो डीसी दो, उससे इतना फर्क, ये अलग चीज है। मैं नहीं कुछ कुछ नहीं बोलू थोड़ा सा। एक्चुअली ये जो एंटीना लग रहा है ना, ये जो तू तो फ्रीक्वेंसी पढ़ रहा है, अरे ऐसे तो तू देख, तो हमारे घरों में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है तो फिक्स है ना, तो फिर कौन सी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो आप? ये वो फ्रीक्वेंसी जो एंटीना पे आ रही है, उस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उसको ये मैक्सिमम पास करता है। जैसे इसके एंटीना में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एनर्जी। वो वैसे इतनी कम है कि पता नहीं पड़ता। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी है ना, उसमें वो जो एंटीना पे एनर्जी आई उस एनर्जी को ये मैक्सिमाइज करता है। वो मैक्सिमाइज करने के बाद भी बहुत कम होती है, उसको एम्पलीफाई करती है हमारी सप्लाई। अब वो सप्लाई डीसी भी हो सकती है और सब पहले ठीक लग रहा था, मुंह बदल सब। जो हमारे घरों में सप्लाई आ रही है वो तो फिक्स है ना 50 हर्ट्ज। तो फिर चेंज कैसे हो रहा है सब? ये वो फ्रीक्वेंसी जो एंटीना पे आ रही है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दुनिया में नाच रही है। वो जब इसके एंटीना पे गिर रही है तो उसके इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे हो रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से। उनकी एनर्जी सर्किट में आ रही है। वो एनर्जी किस वेवलेंथ किस फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम होगी? जो क्या होगी? उस एनर्जी भी बहुत बड़ी होती नहीं है वो, पर छोटी में भी तो सबसे बड़ी है। उसको हम हमारी सप्लाई की मदद से क्या कर लेते हैं? तो जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो डीसी से भी दे सकते हैं, और वो डिपेंड कर जाएगा अलग अलग जगह अलग अलग। तुझे मेरी बात समझ? इसलिए मैं कह रहा हूँ अनंत तो मैंने ऐसे पढ़ा कि क्वालिटी फैक्टर पे दो दो सेक्टर पढ़ते हैं बच्चे में। ऐसे थोड़ी इतना आसान थोड़ी जो आपको से फील वाली बात। नहीं आया, कुछ कुछ बात समझ आई। तो जो मैं बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ आप ध्यान रखो, ज्यादा उसमें अक्कल लगाने की आवश्यकता नहीं। बाबू मुझे लड़का आज घर जाके रेडियो बनाएगा, उसके बाद टीवी बनाएगा, फिर हीरो बन जाएगा। ये खैर कंट्रोल करते हैं अपने इमोशंस को। हाँ भाई, एक और छोटी सी चीज जो अपने इसमें पढ़नी चाहिए उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। क्या चीज? अगर ट्रांसफॉर्मर 10 मिनट में पढ़ा दूंगा, और नहीं तो कम से कम जो इंजीनियर बनते हैं वो कम से कम 8 सेमेस्टर में से 4 सेमेस्टर उनके एक टॉपिक रहता है कौन ट्रांसफॉर्मर। अभी हम 10 मिनट में खत्म करते थे। तो ट्रांसफॉर्मर आपने देखे ही नहीं देखे, सुना तो होगा यार। ट्रांसफॉर्मर कौन? ट्रांसफॉर्मर आप सुन तो सही।
कौन? ट्रांस ट्रांसफॉर्मर यानी लगे होते हैं ना बिल्डिंगों में, लगे होते हैं आपके घर के चौराहे पे लगे होंगे, लाइट चली जाती है तो ट्रांसफॉर्मर फूक गया होगा, क्या ट्रांसफॉर्मर जल गया होगा, बड़ी बिल्डिंग होती है तो यहीं पे लगाने पड़ते हैं अपने को, अगर आपका कनेक्शन 25 किलोवाट से ज्यादा है तो फिर आपको लगाने पड़ते हैं, सब बिल्डिंगों में ट्रांसफॉर्मर इन हाउस ही लगे होते हैं, अंदर लगे होते हैं तो अलग अलग सबके ट्रांसफॉर्मर है, अगर रेजिडेंशियल एरिया होता है छोटे घर होते हैं सबके तो फिर मतलब कॉलोनी के एंड पे लगा होता है, डायरेक्ट आंकड़ा है तुम्हारे यहाँ तो सुना ही नहीं सर, सुना है ना ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑल्टरनेटिंग सप्लाई की बैकबोन है, तो ऐसा समझ कि मान ली दिल्ली में मतलब कोटा थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, जनरेटर अब ये बिजली कहाँ आती, कोटा में कि कहीं भी जाती, असल में सारी बिजली ग्रिड में जाती फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट होती, यह समझ मुझे दिल्ली भेजनी है यहाँ से, ग्रिड व्रिड छोड़ दिल्ली भेजनी है तो दिल्ली बहुत पास से दूर है, बहुत पास ओके तो मैं बोलता हूँ दिल्ली काफी दूर है बेटा, 500 किलोमीटर कर्व को ट्रेवल करना है किसके थ्रू, चिड़िया पे बैठा के तो भेजते कि ले कबूतर जा है ना, तो वायर से जाता है, अब जितना वायर से जाता है जितना वो तो ऐसे समझ आई स्क्वायर आर, क्या चीज आई स्क्वायर आर के हिसाब से जितना ज्यादा करंट होगा क्या लॉस उतना ज्यादा हो, लॉस उतना ज्यादा हो, तो हम चाहते हैं कि सर करंट जाए भी सही और लॉस भी बहुत ज्यादा, तो ऐसे समझ जब भी हम करंट जनरेट करते हैं, करंट जनरेट होता है वहीं से लूप घूमता है यार टर्बाइन में, तो करंट जनरेट होता है, तो ये समझ हम एनर्जी जनरेट करते हैं, क्या जनरेट करते हैं, तो समझ कि वो एनर्जी है आई की टर्म्स में कि पोटेंशियल की टर्म्स में कि पोटेंशियल इनटू आई की टर्म्स में, तो ऐसे समझ हमारे पास एनर्जी आती है ई आई, क्या आती है ई आई, तो समझ हमारे पास एनर्जी परसेंट आ रही है ई आई, अब तू ऐसा फील कर कि ई आई ई ये एनर्जी हमारे पास जो आती है वी आई होती है वो एक मैं बोल रहा हूँ ई आई परसेंट ऐसी एनर्जी आ रही है हमारे पास, ठीक, अब तो ये समझ के तुझे ट्रांसमिशन करना है तो तू क्या चाहेगा, ऐसा समझ कि अगर तेरे पास ऐसा कोई सेटअप हो जिसमें ऐसा समझ तू अगर ज्यादा करंट में भेजेगा ज्यादा करंट में भेजेगा तो भाई साहब यहाँ तकलीफ पड़ जाएगी क्योंकि लॉस ज्यादा, पता लगा यहाँ से 1000 जूल एनर्जी भेजी वहां तो एक ही पहुंची 999 तो बीच में ही खत्म हो गई, फिर ऐसी भेजने का कोई फायदा कुछ लॉस तो होगा ही, हम मान रहे हैं पर लॉसेस बहुत मिनिमम होने, तू ऐसा समझ कि हमें समझ में आ गई बात कि EI एक कांस्टेंट टर्म है जो एनर्जी आपने जनरेट करी, अगर आप कुछ ऐसा मैकेनिज्म ले आओ जिससे E बढ़ जाए और I तो लॉसेस कम हो जाएंगे, E बढ़ जाए और I तो लॉसेस कम हो जाएंगे, मेरा तो जो मैं बोला चमका, पर मान लीजिए तूने 5000 वोल्ट कर लिया, कितना कर लिया, अब तेरे घर में 5000 वोल्ट आ जाए तो तेरे घर की सारी चीजें फूक जाएंगी, घर की सारी चीजें, अब भाई साहब 5000 वोल्ट की लाइन सीधे थोड़ी आपके घर में उतरती है तो भाई साहब सब ले जाएगा, हमारे घरों में जो नॉर्मल चीजें हैं वो 220 वोल्ट की सप्लाई पे चलती है, कितने पे ऑपरेट करने के लिए कम वोल्टेज चाहिए पर ट्रांसमिशन करने के लिए वोल्टेज, तो जब ट्रांसमिशन कर रहा कोटा प्रोसीजर क्या है, कोटा से दिल्ली, क्या चीज, कोटा से दिल्ली जब जाए इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एनर्जी तो वोल्टेज ज्यादा होना और करंट कम होना, पर जब कस्टमर के एंड पे जाए तो उस जगह पर वो क्या वोल्टेज कम होकर करंट, ऐसा ही जनरेशन वाली जगह पे भी करते हैं, तो एक जगह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है एक जगह कंज्यूम हो रही है, कंज्यूम होने पर भी कंज्यूम वाली जगह पे भी वोल्टेज ज्यादा होना, तो ऐसा समझ जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो भी बहुत वोल्टेज पे जनरेट होती पर ट्रांसमिशन के लिए वोल्टेज ज्यादा होना नहीं आया, तो समझ एक ऐसी चीज लगाते हैं जनरेशन वाली जगह पे जो इस एनर्जी का क्या बढ़ा देती है, वोल्टेज ट्रांसमिट करती है, फिर वापस ऐसी चीज यहां पे लगाते हैं जो उसका क्या घटा देती है, वोल्टेज, तो जहां जनरेशन होता है वहां वोल्टेज और जहां कंज्यूम करते हैं वहां पे, ये काम करता है ट्रांसफॉर्मर, ये काम कौन करता है, और ये स्टेप्स में होता है ट्रांसमिशन अपने आप में इलेक्ट्रिकल एंड पावर में, आपको बोल चुका IIT दिल्ली में अपने आप में एक ब्रांच है, अपने आप में बहुत बड़ा प्रोसेस है, कितने मल्टीपल्स होना चाहिए क्या होना चाहिए, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स लगते हैं अलग अलग सेक्शन, तुमने देखा होगा कहीं पे 33 केवी का स्टेशन है, कहीं सुना होगा 11 केवी का स्टेशन है, सुने क्या ऐसे
वो कब किस जगह पे स्टेप डाउन कर रहे होते हैं, किस जगह पे स्टेप कर रहे होते हैं, आपके घरों के पास जो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है वो 440 को 220 में कन्वर्ट कर रहा होता है ना। तो डिपेंड करता है कि कैसे कैसे वो, उसके पहले भी वो एक बार स्टेप डाउन हो चुका होता है। स्टेप डाउन का मतलब जब वोल्टेज कम कर रहा है, और ये करेंगे तो मतलब क्या ट्रांसफॉर्मर का यूज है ये समझ आता है। यस सर, ये समझ। अब ट्रांसफॉर्मर ये काम करता कैसे, मेन बात ये कि ट्रांसफॉर्मर ये काम करता, फिर से बहुत बेसिक से उसके ज्ञान अपन लेंगे। ये सब है फ्लक्स का खेल। किसका खेल? तो ये फ्लक्स में तो एनर्जी है, इसमें एनर्जी है फ्लक्स में। तू ऐसा समझ, तू ऐसा समझ कि ऐसे क्वाइल टाइप चीज है ये, बढ़िया एग्जांपल है सॉफ्ट आयरन का, शानदार, जिसमें आराम से फ्लक्स फ्लो कर सके। फ्लक्स मतलब क्या फ्लो कर सके, तू ऐसा समझ। इसमें तूने कॉइल लपेट ली ऐसे, और यहां पे वो सोर्स लगाया जो जनरेट हो रहा है, जो इसे बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। क्या बोलते हैं? और यहां फिर एक तूने वो लगाया, और इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी कॉइल। ये वो है जिसके अक्रॉस जिससे हम आउटपुट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ये वो है जो इनपुट, और ये क्या है? इसमें जितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उसे बोलते हैं एनपी। इसे क्या बोलते हैं? एनएस। नहीं आया? ये कौन सी कॉइल है? सेकेंडरी। आप ऐसा समझो अच्छे से कि जो आपने यहां स्प्रे लगाई वो है ईपी। क्या है? क्या ये ईपी की वजह से यहां पे करंट बहा? करंट बहा तो क्या इसमें फ्लक्स आया? तो ऐसा समझ, जो यहां पे फ्लक्स जनरेट हुआ ना, हम आइडियल कंडीशन ले रहे हैं कि वो बिना लॉस ऑफ हुए यहां ट्रांसफर हो गया। जो मैग्नेटिक फील्ड यहां जनरेट हुई वो बिना लॉस हुए यहां पे 100% ऐसा होता, पर हम ऐसा मानेंगे कि कोई फ्लक्स में लॉस। मुझे खुद बता, इस वाली जगह पर और इस वाली जगह पर, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स अलग है, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स अलग है। खुद सोच कि यहां पे जो आपको एक लूप में फ्लक्स है, एक लूप में, क्या वही यहां के भी एक लूप में फ्लक्स है? टोटल फ्लक्स की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी इज डिफरेंट फ्रॉम टोटल फ्लक्स है, बट क्या चीज सेम है? फ्लक्स इन, फ्लक्स इन। तो सोच फाई इक्वल टू फ्लक्स इन वन लूप। अच्छा, मैं ऐसा ऐसा इसलिए मान रहा हूं क्योंकि मैं मान रहा हूं कि कोई लॉस नहीं हो रहा। बढ़िया, आपकी सॉफ्ट आयरन ऐसा ऐसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ऐसा जो पूरा यहां से जो निकला मैं बाहर की भेजता वापस यही ले आता, वापस मुझे लगा नहीं तो मैं आया, तो पूरा का पूरा यहां पे इसको ट्रांसफर। चले भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। अब क्या हुआ, आप सोच के देखो तो टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी कितना है? टोटल इन प्राइमरी एनपी फाई। टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी कितना है? अच्छा, व्हाट इज टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी? एनएस फाई। बोलो क्लियर? आप और ध्यान से देखो तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस प्राइमरी इज नथिंग बट डी फाई टोटल पी बाई डी टी। तुम्हें नहीं आ रहा? अरे तो इसके अक्रॉस EMF होगा वो क्या d5 by dt होगा? Yes, माइनस वन को लेने d5 by dt। तो देख क्या लिखा गया है, np d5 by dt। तुम्हें मेरी बात समझ? ऐसे ही जो हमें सेकेंडरी के अक्रॉस आउटपुट मिला वो क्या सेकेंडरी फिर होगा? माइनस d5 टोटल ts by dt, दैट इज इक्वल टू क्या? ns d5 by dt। यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। तो अगर हम सिंपल सी बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल अक्रॉस प्राइमरी अपॉन पोटेंशियल अक्रॉस सेकेंडरी सिंपली एनपी बाई एनएस। अब तू सोच, सिंपल सेटअप है एकदम। अगर मुझे इनपुट सप्लाई कम है और इसे वोल्टेज वाइज बढ़ानी है तो यहाँ के टर्न कम होने चाहिए और यहाँ के टर्न, तो ये ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज बढ़ा देगा घटा देगा? अच्छा, ये बात तो तय है कि कोई लॉस नहीं हो रहा, तो यहाँ पे जो एनर्जी इनपुट हो रही है वो क्या EPIP है? Yes, और यहाँ आउटपुट में कितनी आ रही है? ESIS। अगर कोई लॉस नहीं है तो क्या EPIP equals to? Yes,
यस आई यस, सोच के देख कि अगर मैं इसे बढ़ाऊंगा तो क्या ये घट जाएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी में कोई चेंज, पर इसके घट जाने से क्या ट्रांसमिशन के दौरान क्या दौरान लॉसेस, तुझे मेरी बात समझ, अरे आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, अरे सोच लो, कोई बुराई कोई कष्ट, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। फिर कह रहा हूं बहुत सुपर फिशियल है आपके लिए, पर जैसे मैंने बोला है आपको याद होना, इसमें सवाल आते हैं, बोला जाए इनपुट सप्लाई इज 100 वोल्ट, इनपुट सप्लाई इज एंड टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज 20, कितने व्हाट मस्ट बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल सो दैट द आउटपुट सप्लाई शुड बी 500 वोल्ट। अगर ये वैल्यू कितनी बोला था मैं 100, कितनी 100, और इसमें टर्न है 20, तो बताओ इसमें कितने टर्न हो कि ये हो जाए 500, क्या ये 100 आ जाएगा? अरे कितना आ जाएगा? क्या सिंपली ये फॉर्मूला लगाना होगा? जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उसे कौन सा ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं? स्टेपर। कौन सा बोलते हैं? कौन सा बोलते हैं? स्टेपर। अच्छा सोच के देखो, ये ट्रांसफॉर्मर ही है, इसीलिए हमारे घर में एसी सप्लाई आती है, डीसी नहीं होती। ट्रांसफॉर्मर सिर्फ किस पे काम करता है? अभी क्योंकि ये d5/dt आना चाहिए ना, कांस्टेंट सप्लाई होगी तो ये आना पॉसिबल नहीं है, तो चेंज इन फ्लक्स नहीं आएगा तो EPS आना पॉसिबल नहीं है। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन व्हिच, कौन सी सप्लाई पे काम करता है? AC। तुझे मेरी बात दूर दूर तक समझ, अरे आई कि नहीं आई, सोच लो। अब बताओ प्लानिंग कर लेते हैं हम आपका थ्योरी पोर्शन समाप्त। बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को, छूट ही है उसके साथ सब कर दिया।